हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने कल अपडेट थी भाई, कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन का रिजल्ट कब तक आया था ये चीज़ बता रहा हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर फिक्स डेट आपको बताऊंगा भाई, कब तक आपका रिजल्ट जारी हो सकता है और कब तक आपके यहाँ पर ट्रेड टेस्ट स्टार्ट होने के पूरे पूरे चांसेस बन सकते हैं। कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन, हेड कॉन्स्टेबल HCM और आपका यहाँ पर एजुकेशन ड्रेस जो हेड कॉन्स्टेबल है उनका आपका। तो बता दो दोस्तों, यहाँ पर डिटेल से आपको बताऊंगा, आपका भाई आपको हर एक अपडेट मिलेगा, कौन कौन सी ट्रेड का रिजल्ट जारी हो चुका है वो चीज़ आप ध्यान से देख लेना। कॉन्स्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का रिजल्ट यहाँ पर जारी हो चुका है, कॉन्स्टेबल हेड कॉन्स्टेबल आपका जो आपका, इसके अलावा हेड कॉन्स्टेबल ड्रेसर वेटेनरी का रिजल्ट जारी हो चुका है, ये देख सकते हो आप क्वालिफिकेशन से नंबर आपके सामने। एक कॉन्स्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का अगला कैंडिडेट है, अगला कैंडिडेट आपका आ रहा है वो आ रहा है कॉन्स्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का अगला कैंडिडेट है, हेड कॉन्स्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का भी जारी हो चुका है, ये चीज़ आप जानना है। हेड कॉन्स्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का भी जारी हो चुका है, ये चीज़ आप जानना है, ये चीज़ भी बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा आपका एजुकेशन है, आपका जो स्टेट कंट्रोलर्स है उनका भी आपका यहाँ पर रिजल्ट जारी हो चुका है हेड कॉन्स्टेबल का। इसके अलावा बात करूँ मेरे दोस्तों यहाँ पर हेड कॉन्स्टेबल ट्रेसर वेटरनरी, इसके अलावा बात करूँ एनिमल ट्रांसपोर्ट का भी रिजल्ट यहाँ पर जारी हो चुका है, कॉन्स्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट का भी यहाँ पर रिजल्ट जारी हो चुका है। ये तीन चार रिजल्ट्स आपके जारी हो चुके हैं। अभी जो रिजल्ट्स बचे हैं वो कौन कौन से वो चीज़ आप ध्यान रखना, एक तो आपका ट्रेड्समैन का रिजल्ट बचा है, एक आपका HCM का रिजल्ट बचा है और एक आपका ASI स्टेनो का रिजल्ट बचा है। ये तीन रिजल्ट्स आपके अभी बच रहे हैं, क्योंकि इन तीन रिजल्ट्स में क्या है कि भाई दोस्तों जैसी बात है कैंडिडेट्स भी ज़्यादा है और मेरिट बनाने में भी टाइम लगेगा। जो अभी एग्ज़ाम्स लगी थी, जो रिजल्ट्स आए थे वो एग्ज़ाम्स रिजल्ट ही बताऊँ तो वो रिजल्ट्स आपके यहाँ पर इसलिए ज़्यादा फास्ट बना दिए गए क्योंकि उनके आपके जो सेंटर्स थे वो फिक्स हो चुके हैं। बात करूँ मैं यहाँ पर कब से आपका चलने वाला है, कब से नहीं चलने वाला, डिटेल से हम बात करते हैं, चलते ITOP की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पर डिटेल से बताऊँगा मेरे दोस्त। देखो हम ITOP की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर हम आ चुके हैं, जैसी बात है ITOP की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस तरीके से आप सारे आते होंगे और यदि नहीं आते तो अभी आप आना सीख दो क्योंकि आपका रिजल्ट इसी के ऊपर जारी हो रहा है। किस तरीके से आपका रिजल्ट जारी हो रहा है वो मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ, यदि नहीं आपने देखा हो तो एक बार फिर आप देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए किस तरीके से आप देख सकते हो। अपनी आपकी जो ID है उसको आपको लॉगिन ज़रूर करनी है, जैसे आप लॉगिन करोगे माई एप्लीकेशन के ऊपर जाओगे, माई एप्लीकेशन के ऊपर जाते आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा, एडमिट कार्ड के ऑप्शन में आपको यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड वगैरह वो दिखा देगा, ये रिटर्न टेस्ट का आपका यहाँ पर है, यहाँ पर आपका क्वालिफाइड का आएगा, यहाँ पर आपका क्वालिफाइड का आ जाएगा, यहाँ पर कितना नंबर है, क्या है क्या नहीं, सब कुछ आपका यहाँ पर दिखाई देगा। अब बात आती है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा क्या। देखो दोस्तों मैं बता दूँ आपको, आपका यहाँ पर तो जो अदरवाइज ट्रेडों का जिनका रिजल्ट आया, जिनका भी जिन वैकेंसी का रिजल्ट आया उनका DV है, उनका आपको मेडिकल बचा है, कहीं में आपका जो स्किल टेस्ट होना है, कहीं में बहुत सारी अलग। उससे पहले बात कर लेते हैं आसाम राइफल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली जो आपकी निकल कर आ रही है 2023, उसके लिए बेस्ट बुक निकल कर आ चुकी है, वो आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की तरफ से, जिसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को डिजाइन किया गया और इस बुक में आपको इंग्लिश लैंग्वेज, आपको मैथ, आपको रीजनिंग और आपको यहाँ पर सामान्य ज्ञान GK मिलेंगे। इस बुक में आपको 2100 भविकल्पिक प्रश्न तथा 6 माह की संख्या के सहित मिलेगी, यानी 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको मिलने वाला है। यह बुक आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग निर्धारित करने के साथ साथ बता दूँ आपको, इस बुक से पिछली बार भी बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुए और इस बार भी ये बुक अपने आप को बहुत साबित होने वाली है। इस बुक का मैंने अध्ययन करने के बाद ही बता रहा हूं जो कि यार चक्षु प्रकाशन की तरफ से, इस बुक से आप ले सकते हो, इस बुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया मेरे दोस्तों। अलग अलग प्रोसेस में तो मैं बताऊं, कहीं में आपका जैसे HCM का आएगा तो उसमें टाइपिंग भी होगी, तो मैं बताऊँ आपका यहाँ पर जो 23 तारीख से आपका स्टार्ट है, यहाँ पर 30 तारीख से लेकर आपका 10 नवंबर तक आपका यह चलने वाला है। अब बात आती है 10 नवंबर तक ये चलने वाला, आपका रिजल्ट कब तक आएगा मैं बता दूँ आपको, आपका रिजल्ट है ना वो आपका 30 अक्टूबर से पहले तो आने का कोई चांसेस नहीं है, आपका रिजल्ट है वो 1 नवंबर के लगभग आने का पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। 1 नवंबर या 2 नवंबर का आपका रिजल्ट अपडेट होगा, उससे पहले आपका रिजल्ट अपडेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि उन्होंने जो सारे सेंटर्स थे उनके बुक हो चुके हैं, सारे सेंटर्स में जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनको भेज दिया गया है। अभी आपका जो होगा अगला चरण, मतलब 2 चरणों में ये भर्तियाँ होगी, तो अगला चरण में जो आपके रिजल्ट्स बचे ना वो सारे रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाएंगे ITBP के द्वारा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1 नवंबर के लगभग आपका यहाँ पर रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, हो सकता है 30 को हो जाए या फिर 1 को हो जाए, इन 2 टेन में आपका रिजल्ट अपडेट होगा, क्योंकि 10 दिन पहले आपको अपडेट दे दी जाएगी, 10 या 9 दिन पहले। पर आपको बता दूँ अभी आपका कोई रिजल्ट यहाँ पर अपडेट होने के चांसेज नहीं है, और मेरे हिसाब से बात ये लग रहा है क्योंकि 12 तारीख को यहाँ पर दीपावली है, तो मेरे को लगता है दीपावली के बाद ही आपका सारा ट्रेड टेस्ट वगैरह का होने का चांसेज बन रहा है। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है वो यही है कि 12 नवंबर के बाद ही आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ जो होगा ना वो 12 नवंबर के बाद ही होगा, वो उसके पहले आपका ये हाँ रिजल्ट ज़रूर आ जाएगा,
रिजल्ट आपको नवंबर के 1 से लेकर 2 या 3 तारीख या 30 तारीख से 3 तारीख के बीच में 100% रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, उसकी टेंशन आप मत करो। बात करूँ कट ऑफ की, तो कट ऑफ देखो इनके ट्रेड हुई जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो भाई जाहिर सी बात है ट्रेड्समैन की कट ऑफ भी हाई जाने वाली है, क्योंकि यार 35 नंबर की बोल रहे सिलेक्शन हो जाएगा। अब हेड कॉन्स्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में देख लो, जिसके 56 नंबर उसका नहीं हो रहा है तो आपका 35 नंबर में कैसे हो जाएगा? आपका तो पेपर हलवा था, हेड कॉन्स्टेबल टेलीकम्युनिकेशन वाला पेपर तो आप देखो तो आपकी आगे खुली की खुली रह जाए दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ और आगे भी बताता रहूँगा, उसकी आप टेंशन मत करो। जैसे कोई आगे अपडेट आती है ITP कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन की, हेड कॉन्स्टेबल डिस्ट्रिक्ट की, वो ऑल इंडिया जॉब में 0.2 पर डाल दी जाएगी, आगे जो भी अपडेट होगा वो बता दिया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल से बनाए रखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निजाना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम दोस्तों।